हेलो दोस्तों, बच्चेदानी का मुंह खुलने के क्या लक्षण होते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिला उस पल का बेसब्री से इंतजार करती है कि कब उनकी नन्ही जान उनकी गोद में आए। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय आता है, वैसे वैसे महिला के मन में डिलीवरी को लेकर डर भी लगा रहता है। खासकर जो महिलाएं पहली बार मां बन रही हैं, उन्हें यह परेशानी होती है। लेकिन आपको इस दौरान डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि शांति और मजबूती से काम लेने की जरूरत है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि डिलीवरी के पहले बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं, और इसके खुलने के क्या लक्षण होते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि डिलीवरी होने वाली है। दोस्तों, जब महिला की बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो महिला के प्राइवेट पार्ट से हल्के गुलाबी रंग का ब्लड आता हुआ महसूस हो सकता है, और ब्लड आने के साथ महिला को पीरियड के दौरान जिस तरीके का दर्द होता है, वैसा ही दर्द जब महसूस होने लगे तो समझिए बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। तो देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिला को सफेद पानी आने की समस्या हो सकती है, लेकिन यदि महिला को सफेद पानी 9वें महीने में आए और अधिक मात्रा में आए, तो यह सफेद पानी नहीं बल्कि एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है, संकेत करता है कि शिशु जन्म लेने के लिए पूरी तरह तैयार है और महिला की डिलीवरी अब होने वाली है। और हो सकता है कि आपको सफेद पानी के साथ भी हल्के खून के धब्बे महसूस हो। दोस्तों, जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है, वैसे ही महिला को दर्द का एहसास होने लगता है। उनके निचले हिस्से में दर्द, उनके पीठ में दर्द, उनके बदन में दर्द होने लगता है। ये दर्द रुक रुक के होता है और यही बाद में ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको अंतिम महीनों में ये सारी चीजें दिखाई दे, तो आप समझिए बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण हैं जिनसे महिला अंदाजा लगा सकती है कि महिला की बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डिलीवरी को अच्छे से होने में मदद मिल सके। डॉक्टर प्राइवेट पार्ट को चेक करके बता देंगी कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।